लेसन के कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज रहा एक्सरसाइज 2.1। अब चलिए इसमें इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है हम लोगों को। तो पहला हमारा है कि क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब बड़ी बहुत बढ़िया सवाल है ये सब, इसमें दे रहा है कि आप बताइए कि अगर पी एक्स पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे। अब मैंने आपको ग्राफ से रिलेटेड पढ़ा रखा है पहले वीडियो के आखिरी पोर्शन में हो, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देखें पॉलिनोमियल पार्ट 1 में। उसमें आपको ये बताया गया है कि अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ या फिर कैसा भी आपको ग्राफ दे दिया गया और वो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है, अब ध्यान से सुनिए, अगर वो पॉलिनोमियल पी एक्स है तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, और अगर वो पी वाई है तो ध्यान रखना है कि वो वाई एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो जो हमारा पहला फिगर है उसमें है ऐसे, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इस पर एक लाइन है जो कि ऐसे गुजरी है। अब देखिए ये जो लाइन है इसने कहीं भी एक्स एक्सिस को काटा नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा नो जीरो। हमारा दूसरा फिगर है, हमारे दूसरे फिगर में एक ग्राफ है, उस ग्राफ में ये दिखाया गया कुछ ऐसा है, ठीक है, आपका एक्स एक्सिस एक बार कट रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा दूसरे में 1-0। जो हमारा अगला तीसरा फिगर है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को तीन बार काट रहा है, ऐसा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक दो और तीन, चूंकि इसमें दिया हुआ है कि सारे पॉलिनोमियल पी एक्स हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इस सभी के जीरोस निकल जाएंगे। हाँ, जितनी बार एक्स एक्सिस कट कर रहा है ग्राफ के कारण उसी को हम लोग क्या कहेंगे जीरोस कहेंगे। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, तब 3 जीरोस हो जाएंगे। हाँ, और ये जीरोस कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाना चाहिए, इवन अगर ग्राफ टच भी कर रहा है तो वो आपका जीरो में काउंट किया जाएगा। तो 1-2-3 मैंने कर दिया, बाकी के 4-5-6 ये आपकी जिम्मेवारी। तो चलिए अब अगला एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला एक्सरसाइज काफी छोटा था और इंपॉर्टेंट भी कह ही नहीं सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग अपने सेकेंड एक्सरसाइज में चलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका दूसरा एक्सरसाइज, और इस दूसरे एक्सरसाइज में जरा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड क्वाड्रेटिक सॉरी कोफिशिएंट। अब सुनिए जरा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे जो है वो क्वाड्रेटिक है, मतलब कि मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, और मैंने बता रखा है आपको ये चीज पार्ट 2 पॉलीनोमियल पार्ट 2 में जो वीडियो अपलोड किया गया है, आप वीडियो को पार्ट 2 को देखें। उसमें कहा गया है कि अगर कोई पॉलीनोमियल है ax2 प्लस बी एक्स प्लस सी तो इसके 2 जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे। मान लेते हैं कि अल्फा वो बीटा है, तो हम लोग को दो रिलेशन पढ़ना है, पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और जो दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और अगर जीरोस गिवन रहे पॉलिनोमियल निकालना हो बताया गया है ऐसे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ए और
और c के प्राइम फैक्टर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर बच गया c, तो c का जब प्राइम फैक्टर लिया जाएगा तो 8 का प्राइम फैक्टर लेंगे तो 2, फिर मिलेगा यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर मिलेगा 2, मतलब 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 के 3 प्राइम फैक्टर मिले। इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि वो मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, इसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये अगले पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अगर इन दो टो को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4, और इन दो टो को कर दें तो ये अकेले रह जाएगा। अब अगर माइनस 4 को और प्लस 2 को तो ये इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा, और बस हमको यही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है वो दो टर्म में स्प्लिट हो गया, तो इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये जैसे कहता है ये जैसे कहता है, अब हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ये x निकल जाएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट दोनों जगह कॉमन है, डाले गए हैं उसमें हर एक वीडियो में फैक्टराइजेशन बता ही दे रहा हूं, तो
हर बार अल्फा और बीटा आपको निकालना है, फैक्टराइज करके दो फैक्टर निकालना है, फैक्टर से फिर जीरोस निकालना है, फैक्टर से जो साइन रहेगा उसका ऑपोजिट निकालना है, जो साइन रहेगा उसको उसका ऑपोजिट। यहाँ पर प्लस टू है तो हमने माइनस टू लिया है, यहाँ पर माइनस फोर है तो हमने प्लस फोर लिया है। इस तरीके से हम लोगों को जीरोस निकालने और अरेंज करने हैं। चलिए आप स्क्रीन शॉट ले लें और चलिए क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है 4s² - 4s + 1। देखिए इसको अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपको 4s²
एक्स भी कॉमन निकालेंगे और थ्री भी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि थ्री के टेबल में सिक्स भी आता और नाइन भी, तो टू टाइम्स में सिक्स आया और बच गया एक्स माइनस नाइन में से अगर थ्री गया तो नाइन इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री, उसमें से एक थ्री निकल गया तो बचेगा फिर थ्री और ये हो गया एक्स। और इन दोनों से कुछ भी अब निकलने लायक नहीं है, तो जहां से कुछ ना निकले वहां से वन निकलेगा, ये बच जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो टू एक्स माइनस थ्री को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बच गया आपको थ्री एक्स और यहाँ पर बच गया प्लस वन, ये आपके फैक्टर्स हुए। अब इससे अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया माइनस तो हो जाएगा प्लस थ्री और जो बटा हुआ था जो मल्टीप्लाई में वो बटा में चला जाता है, और उसी तरीके से बीटा का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा माइनस वन बाई थ्री। अब आप रिलेशन वेरीफाई कर लीजिए, ये मैंने आपके जिम्मे छोड़ दिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए।
अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 विच इक्वल्स टू माइनस बी। अब इसमें बी है ही नहीं, ये रहता ए की अगर बात करें तो यहाँ पर ए वन है, बी का वैल्यू जीरो है और सी का वैल्यू माइनस 15 है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये आपको हर बार क्वेश्चन से ही आपको उठा लेना है। तो ये दोनों जीरो हो गया और बी का वैल्यू दिया नहीं है तो जीरो बाई वन। अब ये दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जीरो हो जाए, ये भी हो गया जीरो। LHS is equals to RHS। और जो अगला रिलेशन है इसी का, जो अगला रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई बी। देख लीजिए भाई अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 15 इंटू इंटू रूट 15 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है, माइनस 15 है। देखो यहाँ पर माइनस 15 है, माइनस 15 बाई 15 बाई ए का वैल्यू कितना है 1। अब रूट में एक ही चीज जब दो बार मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो ये माइनस जैसे का तैसे और ये रूट हट गया इसलिए क्या हो गया 15 बाहर निकल गया और इधर क्या बचा माइनस 15। तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल्स टू RHS हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आखिरी क्वेश्चन है आप खुद से करें, वो इजी है, आप करेंगे तो हो जाएगा, फिर ट्राइज करना है उसमें। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप पॉलिनोमियल की जानकारी दीजिए कि वो पॉलिनोमियल कैसा होगा जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन हो। आप देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। उस पॉलिनोमियल के बताइए जिनके ये गिवन नंबर क्या है, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। चलिए फटाफट तो हम जानते हैं, देखिए सम ऑफ द जीरोज यहां पर इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहां पर इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है 1/4, ये हमारा सम ऑफ द जीरोज है क्योंकि क्वेश्चन में पहले सम ऑफ द जीरो की बात किया, बाद में बात किया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये हमारा माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 1/4 और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये हो गया हमारा माइनस 1। अब पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू होता है के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस क्या करना है, अब के को आप छोड़ देंगे और चलते जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 प्लस और माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस 1। अब इसको जरा हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/4 को ऐसा कॉमन निकाल दीजिए और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 वेयर k इज इक्वल्स टू 1/4, मतलब जो यहां पर k था उसी की वैल्यू क्या है 1/4 है, किसी में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमारे ये गिवन पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो है वो तो जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरो होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। बस क्या है पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ फॉर्मूला बार बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, जैसा कर लेंगे को छोड़ देंगे हमारे होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है रूट 2 एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1/3। सॉल्व कर देंगे जरा 3 तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 और ये 1/3 बाहर निकल जाएगा और हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी फ्रैक्शन नहीं हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 1। इस तरीके से और यहां पर
तरीके से आपका ये लेसन हो जाता है समाप्त, ठीक है। अब बाकी जो के जो क्वेश्चन है वो बाकी इजी है, आप अगर चाहें तो इन सबको से कर सकते हैं। मैं पढ़ जा रहा हूँ सामने से, आप स्क्रीन शॉट ले लें इसका, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। किसी किसी बुक पर, किसी किसी पब्लिकेशन में वो सीधे अल्फा और बीटा का वैल्यू दे देते हैं, मतलब जीरोज दे देते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोगों के साथ क्या बात की गई है, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की बात की गई है। तो आप इस चीज को बढ़िया समझ लें और समझने के बाद आगे इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म करें। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इस बात के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज लाइक भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और आप अपना कमेंट जरूर लिखें, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपको कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, आपको इसमें क्या सुधार चाहिए, और कुछ अगर आपकी राय है तो जरूर एक्सेप्ट की जाएगी। आप कमेंट में लिखना ना भूलें। अगला एडिशन का वीडियो जो है वो बहुत जल्द ही आएगा, हम लोग रिविजन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा अगला एडिशन होगा, हम बहुत जल्दी उसका वीडियो आपको कल परसों में